और आज कम चोट खाई थी कि मैंने कुकी ने नाखून भी मार दिया मेरे यहाँ पे। दोस्तों सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो स्वागत करती हूँ मैं आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट और ये देखिए ये मेरी थ्रेडिंग, काफ़ी महीने हो चुके हैं, मुझे लग रहा 6-7 महीने हो गए होंगे मैंने तब से अपनी थ्रेडिंग नहीं बनाई है। तो आज ये काम भी है, एक और काम है मेरा मार्केट में। तो फटाक से टाइम निकाल के आज हम जाएंगे यहाँ पास के ही मार्केट में जाएंगे, गड़ी इसको बोलते हैं, गड़ी, हाँ तो गड़ी कैंट है तो गड़ी वाला मार्केट जाएंगे। और फटाफट से मुझे थोड़ा एक साड़ी है उसका ब्लाउज का नाप देने जाना है और थ्रेडिंग बनानी है और सब्जी वगैरह लूँगी। तो आप लोगों को भी लेके चलती हूँ मैं और बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो अभी हम जाते हैं। बाय कुकी। कुकी रहेगी दीदी के पास और मैं जा रही हूँ गड़ी। दिन में रोड में छे जाने सीधा, हाँ तब मुझे टाइम छे ही मेरे अच्छा सीधा बटा लगी बीच रोड में। कुकी बाय, कुकी बोल दे, कुकी बाय 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 बाय। आ गई हूँ मैं अपने गेट से बाहर और बाहर आते ही आप देखिए मेरे राइट साइड मसूरी के लिए जाती है ये रोड और ये जाएगी गड़ी को। यहाँ पे हम थोड़ा बस का वेट कर रहे हैं। ऑटो जाते हैं दोस्तों। अभी हम मार्केट पहुंच चुके हैं। तो ये गड़ी का मार्केट नहीं है, ये है डाकरा और मैं यहाँ पर सेकंड टाइम आ रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं मिष्टी के बर्थडे की शॉपिंग करने आई थी, उसके बाद बच्चों के साथ मुझे मिलता नहीं है टाइम, तो दीदी के साथ मैं आज आई हूँ। तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है इस मार्केट की, बस मैं सेकेंड टाइम आ रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखा रही हूँ मैं यहाँ कैसा कैसा है। तो यहाँ पे दीदी का कुछ काम था इसलिए हम पहले ज्वेलरी शॉप में गए। यहाँ पे आर्टिफिशियल और असली वाली दोनों ही मिल जाती हैं, तो उन्होंने दोनों ही रखी है यहाँ पे। तो वहाँ का काम ख़त्म करके हम यहाँ पे डाकरा का चौक है शायद से यहाँ पे पहुँच गए हैं। और इसके बाद देखिए टाइम कितना हो रहा है, लगभग हम घर से 4:30 बजे निकले थे और मार्केट में अभी भी धूप ही है तो पहुँचते पहुँचते तो 5 बज ही चुकी थी और हम चल ही रहे हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं टेलर वाली गली में, जिस गली में हम घुस गए हैं उसको बोलते हैं टेलर वाली गली। और यहाँ पर काफ़ी सारे बुटीक हैं तो आप अपने कपड़े कहीं भी सिलवा सकते हैं, सूट साड़ी ब्लाउज वगैरह तो काफ़ी सारे हैं। तो अभी हमें गए, हम आए हैं कृष्णा बुटीक में, तो यहाँ पे हमने अपना ब्लाउज और दीदी ने सूट दिया है सिलवाने के लिए। तो ये देखिए भैया ने मेरा नाप नोप ले लिया है और ये देखिए कृष्णा बुटीक। तो नाप देके मुझे अब जाना था पार्लर, कि आपको बताया मैंने काफ़ी टाइम से मैंने थ्रेडिंग नहीं बनाई है। तो ये है ना सौंदर्य, हाँ मैं चलती हूँ।
ये तो डॉगी सो रहा था। भीड़ जैसे ही मैं पार्लर में जाती हूँ तो वहाँ पे भीड़ नहीं रहती है, बस जो दो लेडीज चेयर में बैठी है उन्हीं को बनवाना है। और इसके बाद सीधे मेरा नंबर आना था क्योंकि मुझे ज़्यादा जल्दी है ना, मैंने कुकी घर पे छोड़ रखी है। और नहीं भीड़ होती तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेती कि पहले मेरा बना ले, लेकिन भीड़ नहीं थी तो अच्छी बात है। और इसके बाद और मैंने थ्रेडिंग बनाई, बट काफ़ी मोटी मोटी बनाई क्योंकि मुझे ऐसी पसंद है और काफ़ी बढ़िया लगा और पेन भी नहीं हुआ मुझे। तो अब यहाँ से हम चलेंगे सीधे सब्जी और फ्रूट्स लेने। तो देखिए जैसे ही हम जा रहे थे तो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर प्लांट्स हमें रास्ते में दिख गए थे, तो मन तो कर रहा था इन्हें ले ले, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था और अंधेरा होने ही वाला था तो हमें बस देख के ही काम चलाना पड़ा। जिस भैया के ये हैं ये काफ़ी बिजी थे उस साइड थे और हमें लेट हो रही है, तो हम आगे निकल गए किसी और। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं डाकरा की सब्जी मंडी में और देखिए हम सब्जी खरीद रहे हैं यहाँ पे। गोभी का एक फूल, कॉलीफ्लावर एंड मटर। मटर मैंने ख़रीद लिए, मुझे काफ़ी पसंद है, मिष्टी को भी काफ़ी पसंद है, और कैरेट भी ख़रीद लिए और हम निकल गए हैं फिर आगे। बाकी फ्रूट्स भी हमने ले लिए हैं रास्ते में और सामान बहुत हो गया है और अंधेरा भी हो चुका है। तो जो अभी देख रहे हैं ये घड़ी की मंडी है, तो मैं घर से केवल 2 मिनट की दूरी पर हूँ और अंधेरा देखिए काफ़ी हो चुका है और थोड़ा यहाँ पे काम था तो इसलिए रुक गई हूँ मैं। वो अभी 8 बज चुकी है और मैं 7 बजे से पहले पहले आ चुकी थी। तो ये बना दी है मैंने थ्रेडिंग, काफ़ी अच्छी बनी है और मोटी मोटी बनाई है मैंने क्योंकि वो बारीक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और कुकी देखो, आज कुकी ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया ना, बड़ी मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं किया इसने, हैं? इसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया ना। तो आज घड़ी में क्या किया मैंने, सब्जी सब्जी ली और थ्रेडिंग बनाई और बस घूमते घूमते टाइम इतना ही हो गया, पता ही नहीं चला। और आते समय भी लेट हो गई। हाँ कुकी, तो दीदी भी अभी जा रही है अपने घर और मैं खाना बना रही हूँ। तो मिष्टी तो सो गई है, बिना खाए ही सो गई है। कैरेट खाया उसने बस, बाकी कहा मैं छो जाती हूँ और ये पता नहीं कब खाएगी। बडू और आज मैं बिल्कुल एक चेयर से नीचे गिर गई थी सफाई करते हुए, तो मेरे यहाँ पूरी स्वेलिंग आ रखी है, बहुत पेन कर रहा है और बैक पेन भी हो रहा है, पता नहीं अब क्या होगा, देखते हैं। दवाई दवाई कुछ ली नहीं मैंने, लग रहा है क्या कुकी? खून निकाल दिया लड़की ने मेरे पे। कुकी तेरे नेल्स इतने बड़े कहाँ से हैं? चोट लगा दी तूने मम्मी पे, मार दिया। कुकी की नोजी देखो कितनी बहरी है, चमक रही होगी, इसने मेरे पे लगा दिया। आई मम्मी ये फोन। तो देखिए मेरी रोटियों का क्या हाल कर रखा लड़की ने, हैं? मैं जब तक अपने लिए सब्जी लेने गई तब तक कुकी ने पूरी रोटियां फैला दी। कुकी ये मैंने खानी है, ये कितनी बदमाश हो रही है देखो। एक ये देखो देखो इसको देखो, फिर बच्चे कितने शैतान होते हैं, बस थोड़ा सा बिजी है।
तो मैं खाना खाऊंगी। और आज खाने में क्या है, पालक पालक पनीर बना रखा है मैंने, और ये हल्दी वाला दूध पीऊंगी आज मैं, और साथ में गुड़, क्योंकि मैंने चीनी नहीं डाल रखी है। तो आज पूरी बॉडी पेन कर रही है, क्योंकि इतनी ऊंची चेयर थी और उससे मैं नीचे गिर गई, तो बहुत दर्द हो रहा है। तो आज हल्दी वाला दूध पी लेती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा, वरना अगर मैं सोऊंगी तो रात को पता नहीं, सुबह तो पता नहीं उठती कि नहीं उठती हूँ। अरे देखो, इसने सारा फॉइल पेपर खा लिया। तो अभी मैं खाना खाती हूँ और उसके बाद आराम करती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने पालक पनीर की रेसिपी मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। आज नहीं बना पाई मैं, बस आज मैं सिर्फ खाती हूँ और आपको दिखाया है मैंने कैसे बनाया है। ये देखो, ये फॉइल पेपर खा रही है। चलो ये रोटियाँ मैं खा लेती हूँ, अपने पास रखती हूँ, वरना दे रोटी, दे 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 रोटी, दे दे मेरे बच्चे, कहाँ रखी है, ये है, ये है। बाय करो कुकु, बाय करो, मेरी मिष्टी तो सो चुकी है, ये खाने की चीज़ नहीं है, यहाँ देखो, इसको यही चाहिए खाने के लिए, कितनी जिद्दी हो रही है, हैं? तो देखो फाड़ दिए, कितना बर्बाद करती है लड़की। और आज कम चोट खाई थी कि मैंने, कुकी ने नाखून भी मार दिया मेरे यहाँ पे। तो आज मेरा दिन काफ़ी अच्छा नहीं रहा, सुबह से ही बेकार रहा। आई होप कल का दिन काफ़ी अच्छा जाए, क्योंकि आज तो बुरे हाल है। और खाना तो खाना बनाते समय मेरे आँख में मिर्ची भी चली गई, लग रहा है ना। तो बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, और मिलते हैं फिर एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।